हाय फ्रेंड्स, मैं गुलबासनवाल और आप देख रहे हैं वर्मा टू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, काफी दोस्तों को डाउट रहता है कि आखिरकार 1 एम्पेयर में कितना वाट होता है, 1 एम्पेयर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 1 एम्पेयर यानी कि 1 एम्पेयर में कितना वाट होता है, वो भी एसी और डीसी का। तो दोस्तों, मैं मेरे चैनल पर इसी प्रकार से की वीडियो हर रोज लाता रहता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें। तो बिना वक्त जाहिर करते हुए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, एम्पेयर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एम्पेयर का सीधा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला है, 1 एम्पेयर बराबर पर कूलम, यहाँ पे ये पर कूलम सेकंड, यानी कि दोस्तों जो 1 सेकंड में जो जितना वोल्ट खपत होता है उसे हम पर कूलम सेकंड कहते हैं और वही हमारा 1 एम्पेयर होता है। 1 सेकंड के अंदर जो बिजली खपत होती है उसे हम जितने वाट खपत होते हैं उसे हम 1 एम्पेयर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला लिख लिया है और आपको समझ में आ गया होगा, जो 1 सेकंड के अंदर खपत होने वाले वाटों को ही 1 एम्पेयर कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे एसी एम्पेयर की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उसका एक सूत्र है जो कि है पावर बराबर VI प्लस कोस वेक्टर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पावर हो गया जो कि हमारा एसी वोल्टेज आता है, एसी वोल्टेज जो कि 230 है जो हमारे घरों में आता है। और यहाँ पे VI यानी कि VI का मतलब होता है एम्पेयर से, यानी कि हम 1 एम्पेयर की 1 एम्पेयर का निकाल रहे हैं, 1 एम्पेयर का वाट। तो वाट निकालने के लिए हमें यहाँ पे 1 लिखना है। और जो हमारा कोस फैक्टर हो गया यानी कि जो हमारा कोस है वो है हमारा पावर फैक्टर जो कि हमारे घरों में आता है 0.8। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे इन्हें हम इन सभी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ गया है 184 वाट। तो 1 एम्पेयर बराबर हमारा आया है 184 वाट। तो हमारे 1 एम्पेयर में 184 वाट रहते हैं। आप अपने घरों में जितना वोल्टेज आ रहा है उससे चेक करके आप लगा सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग 184 वाट के समथिंग इसमें रहता है। अब यहाँ पे वाट और वोल्ट की बात करें तो हमारे जो घरों में आता है तो वो होता है हमारा वोल्ट यानी कि 230। और यहाँ पे वाट की बात करें तो वाट जो हमारा कोई भी उपकरण हो गया उसे चलने के लिए जितनी ताकत की या जितने बल की ज़रूरत पड़ती है उसे हम वाट कहते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये बल्ब हो गया है और यह है 100 वाट का, यहाँ पर यह 100 वाट का है तो इसे हम वाट कहेंगे। और जो हमारा जो इसको चलाने के लिए जिसको जो धक्का दे रहा है वो हमारा हो गया वोल्ट यानी कि 230 वोल्ट। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। हम बात करते हैं हम डीसी एम्पेयर की। तो डीसी एम्पेयर निकालने के लिए यहाँ पे जो हमारा एसी होता है वो अल्टरनेटिंग करंट, तो हमारा डीसी होता है वो डायरेक्ट करंट होता है और हमारा एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए दोस्तों, डीसी का सीधा सा फॉर्मूला है पावर बराबर VI यानी कि जो हमारा पावर होता है, जैसे कि इन्वर्टर हो गया हम उसे 12 वोल्ट देंगे वो आउटपुट में निकलेगा 230 वोल्ट, यानी कि इसका कोई पावर फैक्टर नहीं होता है। यहाँ पर 230 वोल्ट को हम डिवाइड कर देंगे 1 एम्पेयर से, यानी कि यहाँ पर हमारा आ गया 230 वाट। जितना इसका डीसी में वोल्ट रहेगा उतना ही इसका वाट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो एसी में हमारे 184 वाट निकल के आए हैं 1 एम्पेयर में और डीसी में हमारे 230 वाट निकल के आए हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो। तो जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।